तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप अपना YouTube वीडियो के ऊपर आई बटन जो आता है यहाँ पर, वो कैसे लगा सकते हैं। तो यही आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप अपना YouTube वीडियो के ऊपर आई बटन कैसे लगा सकते हैं, जो यहाँ पे दिखता है। तो इस तरह का आप आई बटन कैसे लगा सकते हैं आप अपना YouTube वीडियो में। तो यही आज हम आपको सिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी तरीका है, आपको एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान से वीडियो देखिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, एक बात और, आप अगर आई बटन लगा लेते हैं तो आपका पिछला वीडियो का भी व्यूअर्स बढ़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे आप आई बटन लगा दीजिएगा तो वो वीडियो देखता रहेगा। तो आई बटन पे आप शो करेंगे जो इस तरह का ये वीडियो है, तो वहाँ पे आपका ऑडियंस क्लिक करके देख सकते हैं जो हाँ इस वीडियो में क्या है। तो आई बटन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ज़रूर लगाइएगा, तो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। ब्राउजर ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं 3 डॉट दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइड में आ जाना है। और उसके बाद आपको अपना चैनल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं चैनल हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, जूम करने के बाद आपको यहाँ पे देखेगा आपका चैनल का लोगो, देख सकते हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है, चैनल के लोगो पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको सामने यहाँ यूअर चैनल का ऑप्शन आएगा, तो आपको यूअर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको सामने यहाँ पर आ जाएगा, आपका चैनल यहाँ पर खुल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है वीडियो, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। तो चलिए, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीसरा नंबर में दिख रहा है वीडियो का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जितना भी वीडियो है सब आ गया है। तो चलिए मैं आपको कोई भी एक वीडियो पे करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं वीडियो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, तो इस पेंसिल वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन, ये सब जितना भी आप लगाएंगे टैग ये सब दिखेगा। तो इधर आ जाना है आपको, देख सकते हैं इस साइड में, तो इस साइड में आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपको दिखेगा कार्ड, आई कार्ड देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको उस साइड पे ले जाएगा। और एक बात और गैस, जो वीडियो में आप लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का टाइमिंग देख लीजिएगा, जो वहाँ किस टाइम पर मैं ये आई बटन का ऑप्शन दिखाया हूँ, तो उस वीडियो का आप टाइमिंग देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो अभी ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, तो कोई भी टाइम एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो चलिए, मैं अपना थोड़ा यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ से आपको जूम करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा आगे कीजिएगा तो यहाँ आपके सामने जूम का ऑप्शन आएगा, तो देख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो वैसे देख सकते हैं हमारा वीडियो चल रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे आपको टाइमिंग देख लेना है कहाँ से, देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ इस पे दबा के रखिएगा तो आपका टाइमिंग शो करेगा, देख सकते हैं। तो चलिए, मैं एक मिनट पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो वैसे देख सकते हैं एक मिनट पर मैं यहाँ पर आप इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर में वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है।
तो गाइस मैं वीडियो देख सकते हैं सेलेक्ट कर लिया और उस वीडियो का टैग यहाँ सामने आ चुका है। तो आपको यहाँ से सिंपल सी कुछ नहीं करना है। चलिए मैं आपको आप सेव करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर में आपको दिखेगा सेव का ऑप्शन, तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो गाइस सेव हो चुका है, तो अब कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपना चलते हैं अपना चैनल में। तो गाइस देख सकते हैं मैं इस वीडियो में लगाया था आई बटन, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा चल रहा है, तो इसके लिए सॉरी। तो गाइस देख सकते हैं हमारा वीडियो चल रहा है, तो चलिए मैं आपको एक मिनट पे लेके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप शो होगा यहाँ पे। थोड़ा नेट स्लो है सॉरी इसके लिए। तो गाइस देख सकते हैं अब आपको दिखेगा आई बटन, देख सकते हैं गाइस। तो ऊपर में दिख गया, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये वीडियो दिख जाएगा। तो इसी तरह से आप आई बटन लगा सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आई बटन कैसे लगाते हैं। तो इसी तरह से आप आई बटन लगा सकते हैं और अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं, व्यूअर्स बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से आप यूज कीजिएगा और आप आपका चैनल ज़रूर ऊपर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी भी दबा दीजिएगा। इससे हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड में वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम का आपके सामने सोल्यूशन लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।